राष्ट्रपति से मिले थे, सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। अरे भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ये भाजपाइयों को तय करना है, उनको चार महीने के बाद हारना है या अभी हारना है। अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें, अभी हमें क्या दिक्कत है। मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको चार महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या चार महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। कल घोषित करो ना तारीख, कल तारीख घोषित करो। हम कहां पीछे हैं, उनको तय करना है भाजपाइयों को। अगर उनको ज्यादा उनको लग रहा है कि अभी हारने में हमें लेट हो रहा है, जल्दी हारना है, जल्दी घोषित करा। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार बर्खास्त होने वाली है? 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तब से ही वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ में बंद है। चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल 21 दिन के लिए बाहर आए थे, लेकिन 2 जून को कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने सरेंडर किया। तब से ही अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इस बीच वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जेल में रहते हुए इतने लंबे वक्त तक सरकार चलाने का यह भारत में इकलौता मामला है। लेकिन अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की सुगबुगाहट तेज हो गई। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राज्य में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए एक चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी। इसमें अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का हवाला भी दिया गया है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की गई। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने वो तस्वीरें भी शेयर की जब बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। अब इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजधानी दिल्ली में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और बल मिला है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने दिल्ली के एलजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे ही इस्तीफा मांग लिया। बता दें कि लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और फिलहाल वो दिल्ली के कई इलाकों में पदयात्रा भी कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की सुगबुगाहट तेज है। ये जब से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का भार एलजी वीके सक्सेना ने संभाला है, तब से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 1832 क्राइम्स होते हैं पर 1 लाख की पॉपुलेशन पे। एनसीआरबी का डाटा एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य और सामने रखता है कि सिर्फ 30% केसेस में चार्जशीट होती है। जैसे आपको याद होगा कि जेएनयू में जब हिंसा हुई तो कोमल शर्मा, जिसको आप सबने पहचान लिया, पुलिस ने पहचान लिया, उसको ना अरेस्ट किया गया ना कोई चार्जशीट हुई, क्योंकि वो भाजपा के स्टूडेंट विंग की सदस्य थी। भाजपा के अधीन जहां भी लॉ एंड ऑर्डर है देश में, वहां कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली हो, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियुक्त एलजी के अधीन आती है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी एक गैंगस्टर की पत्नी को टिकट दिया भाजपा ने। भाजपा बार बार अपराधियों को संरक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाती है। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर दिल्ली के एलजी ने क्या कदम उठाए, कितनी पीसीआर वैन्स उन्होंने बढ़ा दी, कितनी उन्होंने पुलिस में जो कमी है भर्तियों की उनमें नियुक्ति की, कितनी बार उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बुलाकर उनसे मीटिंग की, इसका कुछ पता नहीं। पर एनसीआरबी के डाटा आंकड़े ये साफ दर्शाते हैं कि
LGVK सक्सेना दिल्ली के, विनय सक्सेना दिल्ली के सबसे इनकॉम्पिटेंट LG रहे हैं। कानून उनसे संभलता नहीं, दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने में वो मशरूम रहते हैं। कानून उनसे संभलता नहीं, दिल्ली सरकार का कोई काम होता है तो फटाफट फोटो खिंचाने आ जाते हैं। क्या ऐसे LG को अपने संविधान पद पर बने रहना चाहिए? सोशल मीडिया पे पैसा खर्च रहे हैं वो, क्या उनको सोशल मीडिया पर ये जानकारी देनी चाहिए कि नहीं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है उनके अंडर और उन्होंने क्या स्टेप लिए? ऐसे इनकॉम्पिटेंट LG को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद।